शुक्रिया जनाब स्पीकर फ़जर की नमाज़ की अजान हो गई है और मैं इसमें ज़रा भी तगीर का बोझ अपने कानों पर नहीं ले सकता फ़जर की नमाज़ के हवाले से तो मैं जनाब स्पीकर ये कहना चाहूँगा कि आज ये एक तारीख़ी दिन है और ये जो अमदिल्ला जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है ये छब्बीसवीं तरमीम हुई है ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इतफाक़ राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है और आज इनशाला एक नई सुबह त्रु होगी एक नया सूरज आज निकलेगा इनशा जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी और जनाब शुरू होगी एक नया सूरज आज निकलेगा इनशा जिससे कि पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी होगी और जनाब स्पीकर जो एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके ज़रिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था जिसके ज़रिए आज़म को उनकी छुट्टी कराई जाती थी जिसके ज़रिए मनमानी फ़ैसलों से रेकोडिक कार के जिससे कि पाकिस्तान के ख़जाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए और जिसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि आज इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ़ के लिए तरस रहे हैं इस तरमीम के ज़रिए न सिर्फ इंसाफ़ का हसूल आसान होगा आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ऐसे ऐसे केसेस हैं कि लोग तरस रहे हैं इंसाफ को और उनके प्यारे अगले जहां चले गए जहां स्पीकर मेरा यहां पर इरादा था कि मैं आज इस मौजू के ऊपर इस मौजूद ऐवान में अपने इस तरफ और इस तरफ इंतहाई मौजिद अरकान के सामने अपनी मारूजात पेश करता लेकिन चूँकि हजरत मौलाना ने जमात अभी करानी है और वक्त गुजर रहा है फ़जर की नमाज का मैं ये कहूँगा जनाब स्पीकर कि अलहदुल्ला आज वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि दो हज़ार छः में लंदन में जिसके ऊपर दस्तखत हुए शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान और उसके बाद हज़रत मौलाना ने, ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की और दूसरी पार्टियों ने भी आज वो अधूरा ख़्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा जनाब स्पीकर इसके अलावा मैं समझता हूँ कि आज जो बातें यहाँ पर ऑनरेबल मेंबर्स ने की ऑपोजिशन के मैं समझता हूं कि उसकी तसीह करना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि आज जितने बीस साथियों ने बुज़ुर्गों भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं दो सौ पच्चीस हक में वो ये जो माँ उनकी पार्टीज़ के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है जहाँ पर स्पीकर मैं आपको बताना चाहता हूँ और तरह तरह के इल्जाम लगाए गए मैं उसका या, ये वक्त नहीं कि मैं जवाब दूँ कि एक बहुत आज पाकिस्तान की तारीख में एक मृतबा फिर एक बड़ा अजीम दिन आया है जिसके ज़रिए ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और जजेस वो जो अच्छे जजेज़ हैं आज इस मुल्क की तारीख में बड़े बड़े अजीम जजेज आए।, आए जस्टिस कियानी आए जस्टिस करेंिस आए और बड़े बड़े जजेस आए जिन्होंने तारीख़ी फ़ैसले लिखे लेकिन वो भी जजेज आए जजे के नाम पर जजे मैं कहूँगा कि जिन्होंने क्या किया जिस तरह यहाँ पर बात हुई कि एक पाना था वो ख़त्म हो गया और अकामा के ऊपर सजा दे दी गई दो आजम को घर भजवा दिया गया और मनमानी की गई यहाँ पर एक नाम लिया गया एक जज का सुप्रीम कोर्ट के जो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे वो इस्तीफा दे के घर चले गए मैं समझता हूँ कि ये जनाब स्पीकर इसको कहते हैं अंग्रेजी में वट गोज अराउंड कम अराउंड मैं आज यहां पर यह कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस हवाले से मैं आज ये कहूंगा के जनाब आसफ अली जरदारी साहब जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनाब बिलावल भुटो जरदारी साहब मौलाना साहब, जनाब खालिद मकबूल सदीक़ी साहब जनाब चौधरी साले हुसैन साहब जनाब अब्दुल अलीम ख़ान साहब जनाब सरदार खालिद मक्शी साहब जनाब एम वली खान साहब जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जनाब हक साहब जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब और इनके पार्टियों के ऑनबल मेंबर्स और आज़ाद अरकिन इन सब का मैं दिल की अथाह ग्राहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस अजीम काम में आगे बढ़कर उन्होंने आज अपने वोटों से पाकिस्तान की जो आयन है उसमें ऐसी तरामीम की हैं जिससे कि इस मुल्क का जो मुस्कबिल है वो इनशा मजबूत होगा महफूज होगा और इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं इस मौके के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरुमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया और अट्ठारह साल पहले इसकी बुनियाद रखी इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ और ये बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए कि हमारे पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी के लीडर जमान स बिलावल भुट्टो साहब ने इस सारे अरसे में बेपना मेहनत की खलूस दिल के साथ मेहनत की और पूरी काविशें की और मैं जनाब मौलाना फजलरहमान साहब का उनका दिल की अदा ग्राई से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ठोस दलाइल के बावजूद कि उनके अपनी नाराज़गी थी उनके अपने बड़े एक मैं समझता हूँ कि एक ज़ोरदार उनके ऑब्जेक्शन थे उसके बावजूद भी जी वैलिड रीजन उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में न सिर्फ गुफ्त तो गुप्त तो शनिद की बल्कि आगे बढ़ वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और इसमें मैं भी शामिल था बिलावल भुट्टो साहब भी शामिल थे लॉ मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब के उनके साथी थे मौलाना साहब के साथ उनके साथी थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे लॉ मिनिस्टर थे जहाँ स्पीकर मैं आपको बिल्कुल दर्द दिल चर्च करता हूँ कि उस पर बड़ी मेहनत हुई और आज अलहमदिल्ला जिस इतफाक़ के साथ काश पी टी आई भी इसमें आती और आज आती तो बहुत अच्छा होता मैंने अभी उनको कहा कि आप इसमें शामिल नहीं थे आप अगर आते तो बहुत अच्छा होता लेकिन उसके बावजूद भी पूरे मुल्क में ये पैगाम गया कि हाउस के अंदर जो पार्टीज मौजूद हैं और जो जो, जो माँ मौजूद हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने जाति मफाद को कुर्बान करके और अपनी अना को एक तरफ करके वो आगे बढ़े और उन्होंने ये छब्बीसवीं तरमीम जो है जो पाकिस्तान की तारीख में संग मील की हसीियत रखेगी इंशाल्लाह उन्होंने आगे बढ़कर इस अजीम काम को कारनामे को अंजाम दिया मैं आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जिन्होंने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं आप सब के साथ मिलकर और जनाब स्पीकर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने और आपके पूरे आपके जो मेम्बर्स स्टाफ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारी रात आज हम बैठे और अलहद पाकिस्तान के लिए एक ग्रा कदर ख़दमत अंजाम दिया मैं इस पूरे हाउस को अपने लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे और पीछे हमारे जितने आनमल मेंबर्स बैठे हैं मैं इन सब का इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ा वक्त दिया बड़ी दिलचस्पी ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक माइल स्टोन हमने अचीव किया है अल्लाह ते बरकत डाले पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाए और इन इस तरमीम के ज़रिए इनशा जो ख़तरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए और जो बादल जो बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए पाकिस्तान अजीम बनेगा पाकिस्तान अजीम बनेगा पाकिस्तान कौमी असम्बली के सेशन के वजी अजम शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा तारीखी दिन है आज आइन में तरमीम हो गई है ये खाली तरमीम नहीं बल्कि कौमी यकजहती है